बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो से 1.25 किलो तक गोश्त है चिकन, 4 टमाटर हैं और थोड़ा सा गरम मसाला साबुत, दालचीनी और ये इलायची, लौंग, ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून और थोड़ी सी दही है, 4 टेबलस्पून दही है और 2 टेबलस्पून जो है वो नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हैं 5 गिलास चावल मैंने लिए हैं और मैंने पानी इसका रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है चावल बॉईल करने के लिए, तकरीबन 3 किलो पानी है और 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए थे। और इसमें हम लोग ये डालेंगे दालचीनी का टुकड़े 2 और इलायची बड़ी और 3 से 4 लौंगे डालेंगे और पानी को उबाल आने लगे तो हम इसमें डालेंगे चावल। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। अच्छा, ये अब हम लोग चावल डालते हैं इसमें बॉईल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल मैंने डाल दिए हैं बॉईल करने के लिए, तो जब बॉईल हो जाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये चावल बॉईल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट हो गए हैं बोलते हुए, अभी 6 से 7 मिनट और लगेंगे। ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर जिस टाइम चावल छानोगे ना फिर चावल जुड़ेंगे नहीं, खिले जाएंगे। अच्छा, ये चावल बॉयल हो गए हैं, मैं चूल्हा ऑफ कर दिया, तो ये चावल निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम लोग ऑयल डालेंगे, मैंने 5 गिलास चावल लिए और ये मैं 5 ये डालूंगी नाप करके। तो ये 3 प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज के, इन्हें काट लिया, मैं इनको डालूंगी। देखिए अभी प्याज थोड़ी देर में गर्म होने वाले हैं। ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, 1-2 मिनट में और करेंगे। अच्छा, ये अब हम लोग गरम मसाला डालेंगे, साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा। अब मैं ये गोश्त डालूंगी इसमें। साथ ही हम लोग ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, ये गोश्त हो रहा है अभी 3-4 मिनट ही हुए। अब मैं ये हरी मिर्च डालूंगी, तकरीबन 3 से 4 अदरक। हम लोग मिर्चे कम खाते हैं और अभी इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है गोश्त को। अच्छा, ये मैं नमक डालूंगी। अच्छा, ये मैं जो 2 से 3 टेबलस्पून दही है ये मैंने डाल दिए, गोश्त ब्राउन हो रहा था, 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा,
अच्छा ये गोश्त तकरीबन ब्राउन हो चुका है, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हैं भूनते हुए। तो ये 4 मीडियम साइज के टमाटर थे, मैंने उनका पेस्ट बना लिया, बिरयानी में पेस्ट वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं डालती हूँ, जब मैं भूनूँ तो मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा ये मैंने टमाटर डाल दिए और मैं ये थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मेरा देसी चिकन है तो वो थोड़ा सा हार्ड होते गलते थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला हाफ कप, मैं इसे कवर करूंगी 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा ये मैं ना 2 टेबलस्पून नेशनल बिरयानी मसाला डाल रही हूँ क्योंकि इसके बगैर बिरयानी अच्छी नहीं बनती। अच्छा ये देखिए ये 2 मिनट और कवर रहेगा ये, इसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा मैं पुदीना डालूंगी, फ्री हुआ पुदीना, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है बिरयानी में। थोड़ा सा दम पे डालेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगा और इसे अभी कवर ही रखूंगी, थोड़ा सा चिकन और डालूंगा। अच्छा ये देखिए हम हो रहा है अभी, और मैंने कवर हटा दिया इसका, अब मैं इसे भून लूंगी जब तक इसका ऑयल आएगा ऊपर, तो फिर चावल हम लोग मिक्स करेंगे इसमें, फिर आपसे मिलते हैं। ये 1 इंच फूड कलर डालेंगे, ज़रा मसाले का कलर अच्छा होगा। अभी 5-7 मिनट इसे मैंने भूनना, फिर चावल मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा ये ऑयल ऊपर आ चुका है, 2-3 मिनट और देंगे। देखें व्यूअर बहुत प्यारा मसाला भी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गए, तो 1-2 मिनट तक मैं चावल मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपसे लेती हूँ। अच्छा व्यूअर देखें अब मसाला तो भूज गया, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाला ज़रा ढीला हो जाए चावल मिक्स करने हैं, तो इसलिए तो दम लगाना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया। ये देखें व्यूअर्स चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चावल मिक्स करने लगी हूँ, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अच्छा मैं सारे चावल मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर गार्निश के लिए मैं आपको बताती हूँ ऊपर दम के, जब दम लगाना है तो फिर आप ऊपर क्या क्या डालना है। ये देखें व्यूअर्स तकरीबन मेरे ना मिक्स हो चुके हैं, थोड़ा सा और है काम। चावल जो थे ना मैंने फुल बॉइल किए हुए थे क्योंकि मैं दम जो है ना 5 मिनट के लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। अच्छा व्यूअर्स ये थोड़ा सा पुदीना है दम पे मैंने डालना है, और लेमन है, और ये फूड कलर है थोड़ा सा, तो हम लोग ऊपर डालते हैं, तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ी सी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये पुदीना मैंने फ्रीज़ किया हुआ क्योंकि बाहर तो ख़राब हो जाता है, तो ये लेमन है थोड़ा सा,
तो अब हम इसे करेंगे 5 मिनट के लिए कवर, तो फिर दम से उतारते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा दम हो चुका है, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको चेक के बताती हूँ कैसी बनी है। अच्छा व्यूअर्स, ये चावल तैयार हो चुके हैं, बिरयानी तैयार हो चुकी है, तो अब मैं डिश आउट कर ली है, इसे मैं टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की है, तो मिर्चें बिल्कुल नॉर्मल हैं क्योंकि मेरे बच्चे कम खाते हैं, इसलिए आप अगर अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे।